चलिए अब हम लोग इसमें मुरमुरे डालते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा है, अपने पास हाथ कम करना पड़ेगा। और देखिए मुरमुरा दबा के खाने का है, ये कैसे मिलाया जाए तो इसके नीचे हम लोग प्याज डाले हैं और थोड़ा सा तेल डालते हैं। तेल में वैसे नहीं खाता हूँ ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा चलता है। अगर आपके पास काला नमक है तो और बेस्ट है, मेरे पास काला नमक था लेकिन पसीज गया है, तो थोड़ा सा और नमक। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जीरा डालेंगे। पता है जीरा से कितना टेस्टी लगेगा, देखने में ये इतना टेस्टी लग रहा है। तो पहले इसको मिलाते हैं, चम्मच लेके आता हूँ। तो चलिए पहले इसको मिलाते हैं, नीचे प्याज वाज है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों, हमको लगा कम होगा, पूरा थाली भर गया है, कैसे खाएंगे। ऊपर से गिर रहा है तो वही दिक्कत कर। पहले इसमें हम इसको हम लोग मिला लेते हैं बढ़िया से, हाथ से ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सब गिर रहा है, एक भी गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो चींटी लगने लगेंगी। चलिए ठीक है, इतना ठीक। इसमें हम लोग थोड़ा सा लगाएंगे मर्चे का अचार, देख सकते हैं आप लोग के घर में होगा, एकदम ही टेस्टी बन जाएगा, समझ गए। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा थोड़ा मर्चे का अचार तोड़ के डाल देते हैं, ये और भी टेस्टी लगेगा। अब खाने में एकदम मजा आ जाएगा। होममेड 5-स्टार होटल टेस्टी भेलपूरी, तो घर पर देखिए कितना आसानी से मैंने बना लिया। इसमें देखिए मैंने क्या क्या डाला, इसमें डाला है मैंने एक पैकेट मूरी जिसको फरवे बोलते हैं, दो प्याज डाले हैं मीडियम साइज़ के चॉप्ड किए हुए, मिर्चा का अचार डाला है, नमक डाला है, सरसों का तेल ही डाला जाता है तो भी अच्छा लगता है। अब इसको ऊपर से हम लोग डालेंगे नमकीन, और नमकीन ऐसे ही खा लेता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। ये देखिए पहले मैं नमकीन बहुत खाता था दोस्तों, अब नहीं खाता हूँ, छोड़ दिया।
बिना नमकीन के कोई कैसे रह पाएगा। तो चलिए नमकीन को फटाफट मिलाते हैं, फटाफट। एक तो ये इतना ज़्यादा हो गया कि मैं कैसे खाऊंगा इसको, बहुत ज़्यादा हो गया। चलो खाने वाले तो कुछ भी खा लेते। मेरे ख्याल से सब मिल गया होगा, ये गिर रहा है कितना है। एक भी इसमें फरुए का दाना गिरना नहीं चाहिए, चूटी लग जाएंगे। टेस्ट मारते हैं। देखा, बहुत टेस्टी बना है, नमकीन है। मन खुश हो गया मेरा खा के। आप लोग भी घर पर खाइए। बहुत टेस्टी है। खाने के बाद हम लोग जाएंगे वर्कआउट करने। इतने नमकीन मैंने बचा लिया है, ऊपर से डाल के खाऊंगा। तो देखिए नमकीन घर पे आप लोग ऐसे ही पार्टी मनाइए, भेलपूरी बना करके। सच में मुझे लग नहीं रहा था दोस्तों मैं इतना बढ़िया बनाऊंगा, सच में बहुत बढ़िया बनाया। आप लोग रहते तो आप लोग खिलाते, इसमें जीरा पुणे में जीरा का बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। कम से कम उसमें 5 लोग तो आराम से खा लेंगे, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इसको खा रहे हैं तो इसको हम रख नहीं सकते क्योंकि पचीस जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इसमें पूरा खाना जरूरी था। आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो अगली वीडियो में दोस्तों।